अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा समारोह को मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र में राममय बनाने के लिए निकाली गई जन जागरण यात्रा आज सम्पन्न हो गई है। इस दौरान विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं की गई, साथ ही पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान को घर घर तक पहुंचाने का कार्य भी किया गया। जन जागरण यात्रा ने पूरे क्षेत्र में माहौल को राममय बनाने में पूरा सहयोग दिया। यात्रा सम्पन्न होने पर नेतृत्व कर रहे निवर्तमान मंत्री पंडित सुनील भराला ने सभी का आभार व्यक्त किया है। देखिए इस दौरान फर्स्ट बाइट डॉट टीवी के कैमरे में कैद जन जागरण यात्रा के अलौकिक पल। मेरठ हापुड़ लोकसभा में अनवरत चल रही है और ये भगवान राम की रथ यात्रा आज आठवां दिन प्रारंभ हो रहा है। भगवान श्री परशुराम जी के मंदिर, गांधी आश्रम चौराहा, मेरठ शहर विधानसभा से ये प्रारंभ हो रही है। मेरठ दक्षिण से मेरठ की ठोड़, जहां फफुंडा में जनसभा है, जहां खरखोदा में जनसभा है, जहां फिर धीरखेड़ा में जनसभा है और फिर जो है धर्म जन जागरण यात्रा सभा, फिर हापुड़ में पुलिस लाइन जो हापुड़ के केंद्रों पर जाकर के सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस और फिर यात्रा में हापुड़ नगर में भ्रमण करेगी। भगवान राम का जो मंदिर रथ साथ चल रहा है उसका सभी दर्शन करेंगे और दर्शन के उपरांत फिर वो यात्रा वहीं से होती हुई किठोड़ के लिए प्रस्थान करेगी। आज समापन अवसर पर निवर्तमान मंत्री पंडित सुनील भराला ने यह संदेश दिया। मेरठ हापुड़ लोकसभा में भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 14 जनवरी को मंदिरों की स्वच्छता अभियान से प्रारंभ की गई भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठा जन जागरण रथ यात्रा पल्लवपुरम कैंट विधानसभा वीर हनुमान जी के मंदिर से वो यात्रा मेरठ कैंट, मेरठ शहर विधानसभा, मेरठ हापुड़, मेरठ किठोड़, मेरठ दक्षिण विधानसभा होती हुई लगभग 450 किलोमीटर यात्रा ने अपना पूरा भव्य तरीके से रन को पूरा किया और उसमें राष्ट्रीय परशुराम परिषद, परशुराम स्वाभिमान सेना, कार सेवा सेनानी संघ के पदाधिकारी और भाजपा के देवतुल्य कार्यकर्ताओं तथा मेरे समर्थकों ने रात दिन जब मेहनत करी इस यात्रा को अभूतपूर्व बनाया। इस यात्रा में पूरे पांचों विधानसभाओं में लाखों लोगों से मुझे साक्षात्कार होने का अवसर प्राप्त हुआ और मुझे उनका पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मैं उन सबका बहुत हृदय से गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस यात्रा को सफल बनाया है और भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की आवाज़ मेरठ हापुड़ लोकसभा के घर घर में पहुंचाने का कार्य किया है। ये यात्रा वहां से चल कर के यानी के पल्लवपुरम वीर हनुमान जी के मंदिर से और मेरठ के सिद्ध पीठ भगवान शंकर जी की ओगणनाथ मंदिर में जाकर के संपूर्ण हुई ये यात्रा। और उस यात्रा में जहां आज सारे संतों के द्वारा मेरठ के जितने भी महंत हैं उनका भी मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ। भगवान श्री परशुराम जी के मंदिर में यात्रा का बहुत बड़ा आयोजन हुआ और कई जगह सभाएं हुई, उसमें उस महान जनता का मुझे आशीर्वाद होने से मैं सबको हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।